फ्रेंड्स मैं हूं संदीप कुमार गौर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टॉपिक पर दोस्तों आज का वीडियो बहुत छोटा सा वीडियो है और इसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट क्या होता है जैसे यहाँ पे डिफाइन हमने किया हुआ है ए प्रोजेक्ट डिफाइंस अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज विच मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन अ सर्टेन ऑर्डर बिफोर द एंटायर टास्क कैन बी कंप्लीटेड मीन्स हमारे पास कुछ एक्टिविटीज होती हैं और ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं आपस में रिलेटेड होती हैं दैट मीन्स इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट बोलते हैं और ये जो हमारे पास इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं ये एक सर्टेन ऑर्डर में एग्जीक्यूट की जाती हैं सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम दोस्तों सेकेंड पॉइंट है हमारा फेसेस ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए यहाँ पर हमारे पास तीन फेज होते हैं जिसमें से फर्स्ट फेज है हमारे पास प्लानिंग प्लानिंग फेज में द प्लानिंग फेज इज स्टार्टेड बाय स्प्लिटिंग द टोटल प्रोजेक्ट इनटू स्मॉल प्रोजेक्ट्स प्लानिंग फेज में हम क्या करते हैं दोस्तों सबसे पहले जो हमारे पास टोटल प्रोजेक्ट मीन्स हमारे पास जो प्रोजेक्ट होता है उसको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में स्प्लिट किया जाता है फिर जो हमारे पास स्मॉल प्रोजेक्ट्स निकल कर आए हैं इनको डिवाइड किया जाता है एक्टिविटीज़ में और ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं इनको एनालिसिस किया जाता है डिपार्टमेंट या फिर किसी सेक्शन के द्वारा तो दोस्तों प्लानिंग फेज में हम क्या करेंगे सबसे पहले हमारे पास जो टोटल प्रोजेक्ट होता है उसको छोट छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में स्प्लिट करते हैं फिर इन प्रोजेक्ट्स को एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया जाता है और इन एक्टिविटीज़ को एनालाइज़ किया जाता है किसी भी डिपार्टमेंट या फिर सेक्शन के द्वारा और यहाँ पर दोस्तों जो हमारे पास प्रोजेक्ट होता है उसको जब हम एक्टिविटीज़ में डिवाइड करते हैं और ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं किस तरह की होती है इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं तब इस जो प्रोसेस होती है जो कंसेप्ट होता है उसको बोला जाता है वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर शॉर्ट में इसको बोला जाता है डब्ल्यू बी एस टोटल प्रोजेक्ट को एक्टिविटीज़ में डिवाइड करने के अलावा प्लानिंग फेज़ में हम यहाँ पर रिसोर्सेज पर भी काम करते हैं रिसोर्सेज का मीनिंग रहता है कि मैन पावर या फिर जो भी इक्विपमेंट है वो हमारे प्रोजेक्ट में कितना और किस तरह से लगने वाले हैं उनके बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन या फिर प्लान किया जाता है तो प्लानिंग फेज में हम इतना काम करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट को एक्टिविटीज़ में डिवाइड करते हैं और साथ में रिसोर्सेज के ऊपर डिस्कशन किया जाता है सेकेंड जो फेज़ है वह है हमारे पास शेड्यूलिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ़ द शेड्यूलिंग फेज इज टू प्रिपेयर अ टाइम चार्ट शोइंग द स्टार्ट एंड फिनिश टाइम्स फॉर ईच एक्टिविटी एज वेल एज इट्स रिलेशनशिप टू अदर एक्टिविटीज ऑफ द प्रोजेक्ट तो दोस्तों शेड्यूलिंग में हम क्या करते हैं अभी हमने प्लानिंग फेज में देखा कि हम हमारे प्रोजेक्ट को किस में कन्वर्ट करते हैं एक्टिविटीज में डिवाइड करते हुए चलते हैं अब एक्टिविटीज के लिए हम क्या बनाते हैं टाइम चार्ट बनाते हैं टाइम चार्ट बनाने का मीनिंग रहेगा कि जो भी एक्टिविटीज़ है वो कब शुरू होती है और कब वो ख़त्म होगी इस चीज़ को क्या बोला जाएगा यहाँ पे टाइम चार्ट बोला जाता है टाइम चार्ट बनाने के साथ साथ हम यहाँ पर हर एक एक्टिविटी का और भी जो एक्टिविटीज़ हैं अदर एक्टिविटीज़ उनके साथ उनका रिलेशनशिप देखते हुए चलते हैं रिलेशनशिप का मीनिंग ये रहेगा कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो किस एक्टिविटी के पहले आएगी या किस एक्टिविटी के बाद में आएगी इस तरह से हम उनका रिलेशनशिप यहाँ पर देखते हैं तो दोस्तों ये है हमारे पास शेड्यूलिंग फेज अब हम देखते हैं इसका थर्ड फेज थर्ड फेज है हमारे पास कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग फेज इज़ द फॉलो अप ऑफ द प्लानिंग एंड शड्यूलिंग फेसेज दैट मीन्स कंट्रोलिंग फेज यहाँ पे फाइनल फेज होता है प्लानिंग और शेड्यूलिंग फेज हमारे तब काम करते हैं जब हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला रहता है लेकिन जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन होता है उस पर हमारा कंट्रोलिंग फेज यहाँ पे काम करता है तो दोस्तों इस तरह से तीन फेज़ होते हैं जिनके बेस पर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट है, है हमारे पास टेक्निक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो दोस्तों यहाँ पर हम दो तरह की टेक्निक यूज करते हैं फर्स्ट है हमारे पास पार्ट पी ई आर टी प्रोजेक्ट इवल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक और सेकेंड है हमारे पास सी पी एम क्रिटिकल पाथ मेथड तो फ्रेंड्स ये हमारा छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर बात की है और इसका सिर्फ आज हमने इंट्रोडक्शन देखा है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेटवर्क डायग्राम क्या होता है और किस तरह इस पर काम किया जाता है तो दोस्तों अगर आपने अभी अग तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें थैंक यू दोस्तों